I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. It is complete independence that we want. मैं हूं श्वेता सिंह। अभी जो आपने सुना वो देश के नाम महात्मा गांधी का संबोधन था। ये संबोधन हमने आपको इसीलिए सुनाया क्योंकि देश भूल रहा है कि जिस अहिंसा के हथियार का वार अंग्रेज तक सहन नहीं कर पाए, अहिंसा का वो हथियार इतना कमजोर नहीं हो सकता कि उसे छोड़कर हाथों में पत्थर उठाए जाए। लेकिन आज देश गांधी जी के बताए अहिंसा के रास्ते से भटक रहा है और नागरिकता कानून के खिलाफ अपनी विरोध की आवाज को बुलंद करने के लिए हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा है। पिछले दो दिनों से देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर हिंसा की आग में जल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कई शहरों में नागरिकता कानून के खिलाफ उग्र आंदोलन हो रहे हैं। लोग नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में अपने नागरिक कर्तव्यों को आग लगा रहे हैं। 19 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ बवाल शुरू हुआ, 20 दिसंबर को भी नहीं थमा। उत्तर प्रदेश से आज पूरे दिन हिंसक प्रदर्शन की खबरें आती रहीं। कहीं गाड़ियों में आग लगाई गई, कहीं पत्थरबाजी की गई, कहीं तोड़फोड़ हुई, कहीं हिंसक झड़पें हुई, कहीं पुलिस वाले घायल हुए, कहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वाले भीड़ पर भारी पड़े। मेरठ में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि यूपी में कल से लेकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है।